दिल्ली प्रशांत विहार में रोटी बैंक के ठीक सामने सीआरपीएफ स्कूल की दीवार से लगकर बम विस्फोट की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे के करीब पूरा प्रशांत विहार दहशत के आगोश में तब चला गया जब एक जबरदस्त धमाके से पूरा प्रशांत विहार हिल गया। रोटी बैंक रोहिणी से चंद कदमों की दूरी पर हुए इस धमाके ने सभी की नींद खोल दी। वारदात के चंद मिनटों बाद ही रोटी बैंक रोहिणी की संस्था में काम कर रहे कुछ लोगों ने ये तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद की। बहरहाल ये तस्वीरें पुलिस के आने से पहले की हैं। मौका वारदात में बहरहाल एरिया के एसीपी और डीसीपी साहब के साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मुस्तैद दिखी। जरा खुद देख लीजिए।
धमाका इतनी जोर का था कि आसपास की सभी दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए और साथ ही गाड़ियों के भी शीशे टूट गए। चलिए तो फिर बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से और जानते हैं इस बम विस्फोट के बारे में। मेरा बिजनेस है जी, फैक्ट्री है, मानिक मित्तल। क्या क्या देखा आप? जब हम 7:40 पे 7:45 पे जब बहुत तेजी से इंटेंसिटी थी धमाके की और हमारे घर के शीशे भी हिल गए थे सारे, तो हम गली के बाहर आके देखे तो यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंचा धुआं सा उठा हुआ था, सफ़ेद रंग का गुब्बार था पूरा धुएं का, तो आवाज़ इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक आवाज़ गई है ये। तो हमें उस टाइम ये लगा कि सिलेंडर फटा होगा लवपुरी वाले का, जो खाने पीने की दुकान है, पर वो था नहीं, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था जी। क्या लग रहा आपको? 100% बम ब्लास्ट लग रहा है सर। बम ब्लास्ट तो है मगर ये दीवार के साथ हुआ, अगर ये हरकत होती तो कहीं सर यहाँ पे अराजक तत्व आते हैं रात को सारे के सारे, और ये यहाँ पे सब खड़े रहते हैं रात को, और काफ़ी माहौल ख़राब है यहाँ पर। पुलिस कोई कंप्लेंट कर ली, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। किसको की है कंप्लेंट आपने? थानों में भी करी है, सब जगह कंप्लेंट की है सर। क्या 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 RWA ने कर रखी है सर? मेरा सुमित कोचर नाम है जी मेरा, मैं भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ यहाँ से। नहीं देखो इसके दो होते हैं, जो भी धमाका था आवाज़ ज़्यादा थी, बहुत तेज़ आवाज़ थी, कोई नुकसान ऐसा शीशे टूटे हैं वो है, तो भाई खाली था सारा एरिया, उस वजह से जान माल का इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं ये शाम को हुआ होता, ये पूरी रोड भरी रहती है, स्कूल में बच्चे आते हैं, कल सुबह पीटीएम थी बच्चों की, यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं, और भी दुकानें हैं, गाहक आता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, रात को लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, अगर उस टाइम कहीं ऐसा हुआ होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो ऐसा नहीं लग रहा इसे देखे दहशत फैलाने के लिए? देखो ये इंटेंशन तो यही लग रही है कि ये धमाका जो है आवाज़ वाला था और एक दहशत फैलाने, क्योंकि दिवाली आ रही है और पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल बन चुका है, उस माहौल में इस टाइम दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा फैल गई है, सिर्फ यहाँ पे लोगों को डराने के लिए कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके इलाके में घुस चुके हैं, आप सिर्फ हम अपने इलाके में ही नहीं रहते, अब हम आपके इलाके में घुस चुके हैं, और ये डराने के लिए ये काम किया है। बिल्कुल, हम भाई साहब से बात करेंगे, भाई साहब हमारे साथ खड़े। भाई साहब क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार मेरा नाम है। रजनीश जी, त्योहारों का सीजन है, आज करवा चौथ है और 10 दिन बाद फिर आपका ये दिवाली भी आ रही है, ऐसे मौके पे क्या कहेंगे सर इस तरह की हरकत कितना सही है? नहीं बहुत गलत है त्योहारों के मौसम, ये भी करना है, क्योंकि कल तो पीटीएम ही थी यहाँ पे जी, अगर मैं वही कहना चाहता हूँ, ये तो ऐसे टाइम हुआ क्योंकि रश बहुत कम, हाँ अभी रश कम था, कुछ नहीं था, नहीं तो जान माल की भी कुछ भी नुकसान हो सकता था, रश रहता है यहाँ पे, स्कूल है जहाँ पे बहुत ज्यादा रश रहता है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, तो उसके बावजूद देखो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस वाले सबको अलर्ट पे होके सोना चाहिए। अच्छा, इस सुबह कितने बजे की वारदात है? 7:40 की है जी। 7:40 की वारदात है, अभी तक हम देख रहे हैं पुलिस का हजूमा यहाँ पे तैनात हो चुका है, पूरा छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस 10-15 मिनट के अंदर आ गई थी सर, आ गई थी पुलिस। तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्या सुनने में आ रहा है यहाँ पे? नहीं, कार्रवाई पूरी चल रही है जी, पूरा बम स्क्वाड वगैरह आया हुआ है, सब कार्रवाई चल रही है पूरे अपने लेवल पे, पर आवाज बड़ी भयंकर थी जी, पूरा का पूरा इलाका हिल गया हमारा का। यहाँ पे जितने भी खिड़कियां सारे शीशे भी टूट गए, चलती हुई गाड़ियों के भी शीशे टूटे हैं, चलती हुई गाड़ियों के भी शीशे टूटे हैं। अनिल कुमार गोयल। गोयल साहब, हम देख रहे हैं कि धमाका इतनी जोर का था कि हर जगह के शीशे टूट गए, क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे गाड़ियों के भी शीशे टूटे हुए देख रहे हैं। 7:30 बजे करीब की बात है जी, मैं 2 गली छोड़ के ही रहता हूँ जी, और नॉर्मली क्या है कि रिंग रोड है जी, यहाँ से ट्रक वगैरह निकलते रहते हैं जी, हर 15-20 दिन में कोई ना कोई ट्रक का टायर फटने की आवाज़ आती रहती है। बिल्कुल, हमें यही लगा कि ट्रक का टायर फटा है जी, लेकिन जब मैं आधे घंटे बाद मार्केट के लिए निकला तो सारा कुछ यहाँ ब्लॉक था। बिल्कुल, लेकिन धमाका बहुत ज़ोरदार हुआ है जी, और आप शुक्र मनाइए कि आज एक तो संडे है जी, दूसरा करवा चौथ है, अदरवाइज यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि कोई भी जान माल के नुकसान ज़्यादा हो सकता था, बस सभी लोग उससे बच गए। और कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, जैसे एक ये है, एक गाड़ी वहाँ भी है, हुआ नुकसान लेकिन जान माल की नुकसान नहीं हुआ। रोहिणी के DCP अमित गोयल के हवाले से बताया है कि धमाके की मूल वजह का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि धमाका किस प्रकार का था और इसका स्रोत क्या है। DCP ने कहा है कि एक्सपर्ट टीम घटना की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही ब्लास्ट को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी।
ब्लास्ट की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार ब्लास्ट की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों और घरों के शीशे भी टूट गए हैं। बताया गया है कि सीआरपीएफ स्कूल के पास कई दुकानें भी हैं, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि यह धमाका किसी सिलेंडर ब्लास्ट का परिणाम भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रविवार की सुबह 7:47 पर पीसीआर को सूचना मिली कि सेक्टर 14 रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के पास बहुत तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ। एसएचओ पीवी और स्टाफ मौके पर पहुंच गए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जहां सीआरपीएफ स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त पाई गई और दुर्गंध आ रही थी, पास की दुकानें और दुकान के पास खड़ी कार के शीशे क्षतिग्रस्त पाए गए। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। क्राइम एफएसएल टीम और बम निरोधक दस्ते मामले की जांच में जुटे हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।